नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A35 5G versus Realme 12 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A35 5G में 6.37 इंच जबकि 12 Pro 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो A35 5G में 3.07 इंच जबकि 12 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A35 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A35 5G में 0.32 इंच जबकि 12 Pro 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A35 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A35 5G में 209 ग्राम जबकि 12 Pro 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A35 5G में सुपर AMOLED जबकि 12 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A35 5G में 19:5:9 जबकि 12 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A35 5G में 6.6 इंचेस जबकि 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A35 5G में 1080x2340px FHD+ और 12 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A35 5G में 84.6% जबकि 12 Pro 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A35 5G में 390 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A35 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 12 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A35 5G में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12 Pro 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A35 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 12 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A35 5G में Mali G68 MP5 जबकि 12 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A35 5G में Samsung Exynos 1380 और 12 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो A35 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 12 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A35 5G में अप टू 1TB जबकि 12 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A35 5G में 3
कलर्स, जबकि 12 Pro 5G में दो कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो A35 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹27,769, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹33,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 Pro 5G की, तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹21,849, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹23,885, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹28,999 में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की, तो सैमसंग गैलेक्सी A35 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 12 Pro 5G की, तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में A35 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A35 5G आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है, दूसरा Vivo Y200 Pro 5G है, तीसरा Xiaomi 14 Civi 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Tecno Camon 30 Premier 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।